शांत इंसान हूँ और मतलब गुस्सा आता है डेफिनेटली, बट आई थिंक इस शो में जितना मैं चलाया हूँ इट्स क्वाइट अनरियल बिकॉज बहुत ज़्यादा चलाया हूँ, बट उसके रीज़न भी ऑब्वियसली बहुत ही, देखिए एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं और बहुत नेचुरल इमोशंस हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहा हो फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसे चीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप जिसे प्यार करते हैं आप उसे बार बार बोलेंगे कि यू नो वो इंसान सही नहीं है आपके लिए और यू नो प्लीज़ आप देखिए जो सब देख पा रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो झल्ला वो दैट इरिटेशन विल कम आउट, दैट फ्रस्ट्रेशन विल कम आउट। तो बस वही था, अभी एक सीन हुआ जैसे मैंने आपसे कहा एक ड्रामा हुआ जहाँ तम्मी को किद के दुपट्टे में आग लगी और ऋषि ने उसकी जान बचाई, उसके बावजूद भी तन्वी कहीं ना कहीं मानती है कि पवन इज़ अ नाइस गाय, पवन बिल्कुल सही है, पवन बिल्कुल सच्चा है, पवन और सलोनी के बीच में कुछ नहीं है। आई थिंक इतना कुछ होने के बाद इवन दी ऑडियंस कहीं ना कहीं जानती है, समझती है कि डेफिनेटली पवन और सलोनी के बीच में कुछ तो है, बट तन्वी नहीं मान पा रही है, तो आई थिंक उसे एक तरह से कन्विंस करने के चक्कर में ऋषि को इतना चलाना पड़ा। हाँ आई थिंक शुरू में मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो है उसे डेफिनेटली मैं प्यार से समझाऊं, लेकिन जब ऑब्वियसली जब उसने कहा कि पवन से मेरी शादी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो एक अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल था, जो एक गुस्सा था, वो बाहर निकल आया। अभी आप गुस्से से ही मनाने की कोशिश करेंगे या प्यार से? देखिए प्यार है बहुत ज़्यादा, इसलिए गुस्सा है, और जहाँ गुस्सा होता है वहाँ प्यार होता है एंड वाइस वर्सा, कि आप इंसान से बहुत प्यार करते हैं, उसकी कदर करते हैं आप, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है जब वो इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है उसकी भलाई के लिए। सो कोशिश तो रहेगी हमेशा कि प्यार से ही समझाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा तो आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 7 दिन बाद उसकी शादी है तन्वी की पवन के साथ, एंड शी इज़ वेरी हेल्पलेस एट द मोमेंट, वो बार बार कह कर थक चुका है कि पवन इज़ नॉट अ नाइस गाय, इज़ नॉट अ नाइस गाय, बट तन्वी नहीं सुन रही है, तो कहीं ना कहीं तो आई थिंक आई एम श्योर भूकंप फटेगा। थैंक यू